हूँ श्वेता झा और आप देख रहे हैं धर्म। धर्म में आज हम बात करेंगे रुद्राक्ष की। रुद्राक्ष यानी कि भगवान शंकर का वरदान, रुद्राक्ष यानी कि त्रिनेत्रधारी भगवान महादेव का अंश। भारतीय संस्कृति में रुद्राक्ष का बहुत महत्व है। माना जाता है कि रुद्राक्ष इंसान को हर तरह की हानिकारक ऊर्जा से बचाता है, इसके इस्तेमाल से हर तरह की बाधाएं टल जाती है। तो आइए जानते हैं रुद्राक्ष का महत्व और इसके इस्तेमाल की सावधानियां। भगवान शिव का रूप है एक मुखी रुद्राक्ष। श्री गौरी शंकर का स्वरूप है दो मुखी रुद्राक्ष। तीन मुखी रुद्राक्ष है तेजोमय अग्नि का स्वरूप। चार मुखी रुद्राक्ष है श्री पंचदेव का रूप। पांच मुखी रुद्राक्ष सर्वदेवमय। छह मुखी रुद्राक्ष है भगवान कार्तिकेय का रूप। सात मुखी रुद्राक्ष है प्रभु अनंत का रूप। आठ मुखी रुद्राक्ष श्री गणेश का रूप है तो नौ मुखी रुद्राक्ष है मां दुर्गा का स्वरूप। दस मुखी रुद्राक्ष है श्री हरि विष्णु का और तेरह मुखी रुद्राक्ष है इंद्रदेव का रूप। चौदह मुखी रुद्राक्ष स्वयं बजरंग बली का स्वरूप माना जाता है। इसके अलावा श्री गणेश और गौरी शंकर नाम के रुद्राक्ष भी होते हैं। आइए आपको बताते हैं क्यों है रुद्राक्ष इतना महत्वपूर्ण। रुद्राक्ष एक फल की गुठली है। रुद्राक्ष का विशेष औषधीय और आध्यात्मिक महत्व है। मान्यता है कि भगवान शिव के आंसुओं से पैदा हुआ था रुद्राक्ष। रुद्राक्ष पहनने या उसके विशेष प्रयोग करने से विशेष फल मिलता है। अकाल मृत्यु और शत्रु बाधा से रक्षा करता है रुद्राक्ष। कुल मिलाकर एक से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष पाए जाते हैं। इसके अलावा गौरी शंकर और गणेश रुद्राक्ष भी पाया जाता है। अब आपने चमत्कारी रुद्राक्ष का महत्व तो जान लिया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रुद्राक्ष कैसे आपको बड़ा फायदा पहुंचा सकता है और किन हालातों में रुद्राक्ष आपका नुकसान कर सकता है। आज हम आपको बताएंगे रुद्राक्ष धारण करने के कुछ खास नियम और सावधानियां, जिससे आप रुद्राक्ष का पूरा लाभ उठा पाएंगे। तो क्या है रुद्राक्ष धारण करने की सावधानियां, आइए आपको बताते हैं। रुद्राक्ष को लाल धागे या पीले धागे में धारण करें। पूर्णिमा, अमावस्या या किसी सोमवार को रुद्राक्ष धारण करना उत्तम होता है। 1, 27, 54 या 108 की संख्या में ही धारण करना चाहिए रुद्राक्ष। रुद्राक्ष को धारण करने के बाद मांस और मदिरा का सेवन ना करें। रुद्राक्ष को धातु के साथ धारण करना और भी अच्छा होता है। तांबे के साथ धारण करने पर रुद्राक्ष चमत्कारी परिणाम देता है। दूसरे की पहने हुई रुद्राक्ष की माला कभी ना पहने। ज्योतिष के जानकारों की माने तो किसी भी शुभ मुहूर्त में ही धारण करना चाहिए रुद्राक्ष, और अंगूठी में रुद्राक्ष कभी नहीं पहनना चाहिए। अगर आप पूरे नियम और श्रद्धा से रुद्राक्ष धारण करेंगे तो आपके सभी कष्ट दूर होते जाएंगे और आपकी मनोकामनाएं भी पूरी हो जाएंगी। कहते हैं कि शिवजी के प्रतीक रुद्राक्ष को धारण करने मात्र से ही भक्तों के सभी दुख दूर हो जाते हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। रुद्राक्ष धारण करने वाले पर भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा रहती है। परेशानी कोई भी हो, बाधाएं कैसी भी आ रही हो, रुद्राक्ष धारण करने से सभी परेशानियों का हल हो जाता है। जिस तरह भगवान भोलेनाथ के कई नाम हैं, उसी तरह रुद्राक्ष के कई प्रकार हैं और सभी का अलग अलग महत्व भी है। तो आइए आपको बताते हैं रुद्राक्ष कितने प्रकार के होते हैं और इनका क्या महत्व है। जहां होगी रुद्राक्ष की पूजा, वहां होगा माँ लक्ष्मी का वास। रुद्राक्ष में समाया है महादेव का आशीर्वाद। मिलेगा हर समस्या का उचित समाधान। रुद्राक्ष धारण करने से होगा कल्याण। ज्योतिष के जानकारों की माने तो हर इंसान अगर अपनी जरूरत के हिसाब से रुद्राक्ष धारण करे तो जीवन की हर दिशा में सुख शांति और संपन्नता का आगमन होता है।
मान्यता है कि रुद्राक्ष भगवान शिव के आंसुओं से प्रकट हुआ था, इसलिए इसमें हर दुनियावी समस्या का समाधान करने की क्षमता है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो रुद्राक्ष जितना छोटा होता है उतना ही ज्यादा असरदार होता है। सफलता, धन संपत्ति और मान सम्मान दिलाने में सहायता करता है रुद्राक्ष। तो आइए जानते हैं कि कौन से रुद्राक्ष से क्या फायदा मिलता है। एक मुख्य रुद्राक्ष सभी प्रकार के सुख, उन्नति और मोक्ष प्रदान करता है। अशुभ फलों से मुक्ति दिलाता है एक मुख्य रुद्राक्ष। दो मुख्य रुद्राक्ष, इसे धारण करने से मान सम्मान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कई तरह के रोग बीमारियों को भी दूर भगाता है दो मुख्य रुद्राक्ष। दाम्पत्य जीवन में सुख, शांति और तेज प्रदान करता है। तीन मुख्य रुद्राक्ष, विद्या पाने के लिए इसे धारण करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ब्लड प्रेशर को भी नियंत्रित करता है तीन मुख्य रुद्राक्ष। चार मुख्य रुद्राक्ष, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रदान करने वाला है चार मुख्य रुद्राक्ष। पांच मुख्य रुद्राक्ष, अच्छी सेहत और समस्याओं के समाधान के लिए पहने पांच मुख्य रुद्राक्ष। इससे पहनने से लीवर की समस्याएं दूर होती हैं। छह मुख्य रुद्राक्ष, पापों से मुक्ति और संतान देने वाला है छह मुख्य रुद्राक्ष। काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन सब पर नियंत्रण के लिए भी उत्तम है ये रुद्राक्ष। इस रुद्राक्ष को धारण करने से बढ़ती है आत्मशक्ति। सात मुख्य रुद्राक्ष, सात मुख्य रुद्राक्ष ऐश्वर्य बढ़ाने में मदद करता है। मृत्यु के कष्टों से छुटकारा भी दिलाता है सात मुख्य रुद्राक्ष। इस रुद्राक्ष को धारण करने से दूर होती है गरीबी। आठ मुख्य रुद्राक्ष, लंबी आयु की कामना के लिए इसे धारण करना चाहिए। इसे धारण करने से मान सम्मान मिलता है, जीवन की सारी बाधाएं दूर होने लगती हैं। नौ मुख्य रुद्राक्ष, सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करता है नौ मुख्य रुद्राक्ष। इसे धारण करने से वीरता, साहस, सहनशीलता और पराक्रम में वृद्धि होती है। मृत्यु के डर से मुक्त करता है नौ मुख्य रुद्राक्ष। दस मुख्य रुद्राक्ष, संतान प्राप्ति की कामना रखने वाले इस रुद्राक्ष को जरूर पहने। सभी बाधाओं को दूर करके सुख समृद्धि प्रदान करता है दस मुख्य रुद्राक्ष। दस मुख्य रुद्राक्ष धारण करने से जीवन शांत और सुंदर होता है। ग्यारह मुख्य रुद्राक्ष, इस रुद्राक्ष को धारण करने वाले को हर काम में सफलता मिलती है। बारह मुख्य रुद्राक्ष सभी बाधाओं को दूर करने वाला माना जाता है। सूर्य से जुड़ी तमाम बीमारियों को दूर करने के लिए यह रुद्राक्ष पहना जाता है। धन प्राप्ति के रास्ते भी खोलता है बारह मुख्य रुद्राक्ष। तेरह मुख्य रुद्राक्ष, धन संपत्ति, सौभाग्य और कामना पूरी करने वाला रुद्राक्ष है तेरह मुख्य रुद्राक्ष। चौदह मुख्य रुद्राक्ष, सभी पापों को नष्ट करने वाला रुद्राक्ष है चौदह मुख्य रुद्राक्ष। परेशानियों और बाधाओं से मुक्ति दिलाता है चौदह मुख्य रुद्राक्ष। इसे पहनने से आरोग्य की प्राप्ति होती है। चमत्कारी शक्तियों से भरा है शिव का प्रिय रुद्राक्ष। तो आप भी रुद्राक्ष धारण करके अपनी तमाम मुश्किलों से निजात पा सकते हैं, फिर आपकी किस्मत भी चमकने लगेगी। धर्म में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा मत। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे रुद्राक्ष से जुड़ी कुछ और खास बातें। है आज हम आपको बता रहे हैं रुद्राक्ष का रहस्य और उसकी महिमा। रुद्राक्ष धारण करने पर बहुत जल्द सकारात्मक परिणाम मिलने लगते हैं। रुद्राक्ष धारण करने वाले पर शिव की विशेष कृपा हो जाती है, लेकिन रुद्राक्ष धारण करने से पहले इनका विधिवत पूजन किया जाना चाहिए। इसके बाद मंत्र जाप करते हुए इन्हें धारण करना चाहिए। चलिए आपको रुद्राक्ष से जुड़ी कुछ और खास बातें बता देते हैं। महादेव की कृपा जिसे हासिल हो उसे किसी का डर नहीं। भोलेनाथ के आंसुओं से बने रुद्राक्ष से ज्यादा ताकतवर कुछ भी नहीं। जी हां, रुद्राक्ष
यानी वो वस्तु जिसे रुद्र का अक्ष यानी आंसू कहा जाता है। रुद्राक्ष इस धरती पर अकेली ऐसी वस्तु है जिसको मंत्र जाप और ग्रहों को नियंत्रित करने के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। ज्योतिषी मानते हैं कि अगर रुद्राक्ष को धारण करने के नियमों का पालन किया जाए तो शनि की टेढ़ी नजर से होने वाली सभी तरह की दिक्कतें भी दूर हो जाती हैं। ज्योतिषी तो यहाँ तक मानते हैं कि शनि की साढ़े साथी और ढैया भी खास रुद्राक्ष के खास प्रयोग से दूर हो जाती है। कैसे, आइए बताते हैं। शनि की साढ़े साथी या ढैया हो तो इसके लिए गले में रुद्राक्ष की माला धारण करें। ये माला अगर पांच मुखी रुद्राक्ष की हो तो उत्तम होगा। धारण करने के पहले इसी माला से शनि और शिव जी का मंत्र जाप करें। कुंडली में अगर शनि अशुभ योग दे रहा हो तो आइए बताते हैं कि रुद्राक्ष के प्रयोग से कैसे आपको लाभ मिल सकता है। कुंडली में शनि का अशुभ योग हो तो एक मुखी और 11 मुखी रुद्राक्ष एक साथ धारण करें। इसमें एक एक मुखी और दो 11 मुखी रुद्राक्ष रखें। इसको एक साथ लाल धागे में धारण करें। रुद्राक्ष की ताकत इतनी ज्यादा है कि उसके कुछ खास नियम धर्म होते हैं और अगर उन नियम धर्मों का पालन नहीं किया जाता है तो कुछ बुरे फल भी मिलने लगते हैं। लेकिन अगर ज्योतिषियों की माने तो रुद्राक्ष का सही ढंग से प्रयोग किया जाए तो शनि की टेढ़ी नजर से होने वाले कष्टों से भी आप मुक्ति पा सकते हैं।